इस ग्रह का साउथ पोल है, लेकिन कुछ सौ सालों में ही इसकी हालत ऐसी हो गई है। अपनी रिपोर्ट जारी रखो, हम और जानना चाहते हैं। और यहाँ हरियाली भी हुआ करती थी, पर क्या? सिर्फ 100 सालों के अंदर यहाँ के समुद्र का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ा है। आखिर इसका कारण क्या है? मुझे लगता है इस ग्रह के लोगों ने इस ग्रह की बिल्कुल देखभाल नहीं की है। हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, तभी हम हरियाली को यहाँ सुरक्षित रख पाएंगे। तो हमें यहाँ दिखाना होगा हरियाली का गुस्सा।
अजीब चीज मत लगाना, हमारा गार्डन वैसे ही बहुत छोटा है। नहीं लगाऊंगा, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में पौधा है। ये तो पहले से ही यही था। Thank you.
हम ज्यादा से ज्यादा कॉमिक्स पढ़ेंगे। नोबिता, तुम लेट कर कॉमिक पढ़ रहे हो। अपना होमवर्क किया तुमने? खाने के टाइम से पहले होमवर्क खत्म कर लेना, ठीक है? Thank you.
चलेगी। तुम उस जगह चले जाओ, ठीक है? चलो मैं तैयार हूँ। अरे तुम कौन हो? यहाँ से जाओ वरना चोट लग जाएगी। मैं बॉल फेंकने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम अभी भी यहीं पर हो, जाओ। हे तुम जाते क्यों नहीं हो? अरे हटो। क्यों कर रहे हो?
Okay, guys.
साफ करना है। मुझे माफ करना। पर क्यों? क्या तुम भूल गई शिजुका कि हम यहाँ पर कीबो को ढूंढने आए थे, ना कि यहाँ की सफाई करने। ठीक कहा। पर हो सकता है कि इसकी तरह कुछ और पौधे भी यहाँ दबे पड़े हुए हो। हाँ, बात तो ये भी ठीक है। Thank you.
लगेगा। Thank you.
हमारे इस हरे भरे शहर में पूरी दुनिया से तमाम तरह के पेड़ पौधे आते हैं और दूसरे ग्रह से भी पेड़ पौधे यहाँ पर आते हैं। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। लगता है ये प्लांट एलियंस की दुनिया है, यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये वो
बताती है कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी जो इस हरियाली को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी जांच के अनुसार इस ग्रह के पेड़ पौधे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपनी तकलीफों को बयान नहीं कर सकते। वो सब के सब हमारे दोस्त हैं और वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हैं। के अलावा कुछ और बोल सकते हो?
कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आप ग्रह पर आगे आलियो हो। जो करना है करिए। हमने पृथ्वीवासियों को इसलिए कैद किया हुआ है ताकि वो कोई गड़बड़ न कर सके। मुझे नींद आ रही है। हरियाली के लिए कुछ भी करेंगे। कोई भी काम ठीक से नहीं होता। वो बात ये है कि उस इलाके में उड़ना मना है।
मैं राजकुमारी हूँ। लेकिन उस दिन तो सच में तुम वही हो। उस दिन तो तुम बहुत बढ़ चढ़कर हरियाली के बारे में बोल रही थी और आज कीबो को पकड़ना चाहती हो। चुप करो, ज्यादा मत बोलो। हरियाली का मुझे क्या करना, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। Bye.
हथियार हमारे काम आता है। हे, क्या तुम पानी लेने रोज जाते हो? हाँ, पर क्या तुम नहीं जाते? नहीं, हमारे घर पे नल में ही पानी आ जाता है। पानी का नल क्या होता है? क्या मतलब, उसमें से पानी निकलता है। अरे, कहाँ जाना है? तुम्हें नहीं पता? जगह पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। क्या पहली बार? Thank you.
करता हूँ। ये है नोबिता, डोरेमोन, जियान, शिज़ुका और सुनियो। ये सब पृथ्वी से आए हैं। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी और ये मेरी बहन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है सुनियो। लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। जाओ, मुझे परेशान मत करो। और ये भी इनके साथ है। पर मुझे आपका नाम तो पता ही नहीं। अगर मैं गलत नहीं तो आप राज परिवार से है ना? बताए पापा, ये उन लोगों को वापस पृथ्वी पर भेजने वाली है ना? राजकुमारी उदास लग रही है। जरूर कोई बात है क्या? सच में? मैं जियान हूँ। मैं बोया हूँ। हमारी शक्ति मिलती है। हमारी राजकुमारी है। तुम लोग यहाँ पर आकर हमारे ग्रह को खराब कर रहे हो। सब कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। चुप रहो।
कर रहे हैं, न कि ये बेचारे। तुम लोग अपने
डॉन वॉच को ढूंढना होगा, वो ज्यादा जरूरी है। और उन्हें इस बारे में शायद अब तक पता चल गया होगा। अगर होल्ड ऑन वॉच उनके हाथ लग गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई गैजेट निकल क्यों नहीं रहा है? ये आवाज कैसी? अरे ये क्या हो रहा है? वो हमारी तरफ आ रहे हैं। Yeah!
अब की बच्चों की पृथ्वी का
अच्छा लग रहा है, हम पृथ्वी पर वापस आ गए। हम सच में वापस आ गए। अब विदा लेने का वक्त आ गया है। क्या? मैं आगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखना। मैं पेड़ पौधों की सभ्यता को एक नए रूप में देखना चाहता हूँ, सभ्य जीवन का ऐसा रास्ता जो सदियों से नहीं बदला है। मैं ब्रह्मांड की हर ग्रह पर हरियाली देखना चाहता हूँ और एक दिन किसान की तरह बनना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इनके साथ वापस जा रहा हूँ। दोस्तों का ध्यान रखना। ठीक है, समझ गया। अपना ध्यान रखना। तुम भी नोबिता। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। तुम्हारा जब भी मन करे हमारे पास आ जाना। अब तुम अगली बार जब आओगी तो मेरे घर जरूर आना। क्या बात है, क्या हो गया? मुझे भूख लग रही है। ठीक है, चलो डिनर कर लो।